हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप बोलियो। और आज है शनिवार और अभी सुबह के हो रहे हैं 4:30 और हम हो गए हैं यहाँ पे रेडी और वहाँ बन चुका है हमारा हलवा प्रसाद के लिए। और अभी हम जा रहे हैं पराशर ऋषि और मैं कुणाल के पापा, कोको घर पे रहेगा और बाकी और भी है, चाचा देवर वो सब जा रहे हैं। तो कौन कौन जा रहे हैं मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और अभी ना बिल्कुल अंधेरा है और चारों तरफ जो है फॉग ही फॉग है। आसमान ठीक है, मतलब साफ़ है क्योंकि चांद नज़र आ रहा था, लेकिन पूरे 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 में धुंध पड़ी हुई है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है अभी सुबह का टाइम और आपको लाइट के पास दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए फॉग ही फॉग है अभी। दादा जैक यहाँ पे आ रहे हैं, चाचू दिख नहीं रहे अंधेरे में और पूरा अंधेरा। अब तो जो चांद दिख रहा था ना वो भी नहीं दिख रहा है। तो अच्छा। मुझे लगता ना मैं शायद से दो साल के बाद उठी इतनी जल्दी, मतलब 3:30 बजे। तभी चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे बना है हलवा, इसको पैक करते हैं। हाँ जी, तो सुबह के 6 बजे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था और हम काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे हमारा पूरा प्लान था कि हम 5 बजे घर से निकले, लेकिन लेट हो गए थे और अभी हम चल पड़े थे आगे की ओर। तो अभी हम पहुंचे हैं आधे रास्ते में, आधा रास्ता भी नहीं बोलेंगे, अभी मंडी से थोड़े ऊपर आए हैं। आई थिंक कटिंडी साइड में है ये जगह, तो यहाँ पर आए हैं। तो अभी जितने भी हमारे भाई, चाचू, देवर, पति, बेटा जो भी है, सब गए थोड़े घूमने फिरने। और लेडीज़ में से मैं अकेली हूँ क्योंकि कोई भी नहीं था। जठानी नहीं आ सकते क्योंकि बेबी छोटी है, इसलिए हमने नहीं बोला उनको। और कोई भी नहीं है, मतलब मैं ही हूँ, हम दो ही हैं, देवरानी जठानी, घर में लेडी, और बाकी तो बच्चे ही हैं, सानवी और अद्विता। तो मैं अकेली आई हूँ और बस भगवान से ही दुआ है कि रास्ता ठीक रहे, सब कुछ सही रहे और जो होगा आपको मैं दिखाती रहूँगी। और आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है और यहाँ पे पानी भी है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए यहाँ पत्थर से ना पानी निकल रहा है, तो ऊपर खेतों से आ रहा है और फिर पीछे भी पानी है। और ये है सामने का व्यू। और यहाँ से आगे एक मोड़ में हमने मोमो खाए थे पिछली बार, जब हम प्राशर गए थे ना पिछली बार, हम सब लेडीज़ गए थे, तो हमने यहाँ आगे मोड़ में खाए थे मोमो, जो कि बहुत टेस्टी बनते। तो कुणाल कह रहा था कि मामा इस बार भी खाएंगे, लेकिन वो ना लेट आते हैं, वो अंकल शायद से 2 बजे के आसपास आते हैं वो। इसको देखो बस इसको यही पहनना है, पजामा पहनना। मामा पैंट नहीं पहनूंगा मैं, पजामा मुझे कम्फर्टेबल लगता है। अगर पैंट पहनता तो मुझे कम्फर्टेबल नहीं होता, फिर मुझे उल्टी आती। तो मैं इसको हुडी पहना के लेकर आई हूँ ताकि ठंड ना लग जाए। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं कटोला और हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है और ये ड्राइविंग कर रहा है और बाकी चले गए हैं वहाँ पे चाय पीने। और हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं क्योंकि हमें पहले करनी है पूजा, उसके बाद फिर खाएंगे। लेकिन मैंने गलती से एक टॉफ़ी खा ली तो ये भी नहीं खाएगा क्योंकि इसके यहाँ से पूजा होनी है। पानी भी नहीं पिया इसने, पानी भी नहीं पिया। इतना अच्छा बच्चा, ब्रश किया था इसने, ब्रश भी नहीं किया किया लेकिन जूस पीने का मन कर रहा था। और यहाँ पे लिखा आई लव पंडित स्वीट्स, गंदी बात नहीं करते चिका। और मौसम बहुत अच्छा है भगवान की कृपा से, भगवान करे आगे भी बहुत अच्छा मौसम रहे। और कल तो मतलब मौसम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक मौसम सही रहना चाहिए। और चलिए बाद में मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और जिस बात का डर था वो हो चुका है। तो ये जो नदी है ना, ये शायद से रात को बारिश हुई होगी क्योंकि हमने पूछताछ की थी कि रास्ता ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ना आगे रास्ता ही गायब है कि हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई थी। और ये देखिए आगे से रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे। क्या बोला
आदमी डबने तो हो जाने वो बी एड के ना ये हाल है यहाँ के। ये देखें गाड़ियाँ वहाँ की वहाँ खड़ी है और यहाँ की यहाँ खड़ी है। बस ये यहाँ से था, हमको कुछ किलोमीटर्स रह गए थे यहाँ से, बस हम पहुँच गए थे। लेकिन अब क्या करें क्या करें, कहाँ से जाएं। तो अभी हम क्रॉस करके आ गए हैं और वो हमारी गाड़ी जिसको पवन जो है पहले साइड में लगाएंगे कहीं पे, क्योंकि अगर भगवान ना करे बारिश हुई तो ये सही सलामत रहेगी। और अभी ना मेरे हाथ पाँव ऐसे कांप रहे क्योंकि मैं ऐसे नदी क्रॉस करके आई और ये दो बकरे हैं जो कि देवता को चढ़ेंगे आज। सब लोग वो देखो टेम्पो ट्रैवल भी आया था और ये लोग सब पैदल आ रहे हैं और यहाँ से गाड़ी की जाएगी ऊपर के लिए। तो यहाँ से हमने कर दी थी जीप, आई थिंक इसको कैंपर कहते होंगे पर मैं इसको जीप ही कहती हूँ। तो हम कुछ लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे पीछे जो ओपन वाला एरिया होता है वहाँ बैठे थे। और यहाँ से हम चल पड़े थे आगे की ओर और यहाँ से आगे रास्ता बिल्कुल सही था, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा रास्ता था। और भगवान का नाम हम लेकर हम चल पड़े थे आगे की ओर। तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं पराशर मंदिर के पास और इस व्यू को एंजॉय करें। तो लीजिए पहुंच गए हैं हम पराशर ऋषि के दरबार पे और ये है सामने का व्यू। और चलो भगवान जी के कृपा से जो है सही सलामत पहुँचे। सामने देखिए वहाँ पे लैंडस्लाइड कैसे हुआ है। मेरे फ़ोन की ना क्लियरिटी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है गाड़ी, तो हमें दूसरी गाड़ी करनी पड़ी। हाँ जी, गंदी बातें नहीं करते। खूबसूरत वादियों के बीच में, हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पीछे भेड़ बकरी वाले, अरे जी देख के चल बेटा। पीछे पहुंच गए पराशर ऋषि के पास। तो ये है पराशर ऋषि जी का मंदिर और हमारी पूजा पाठ हो चुकी है यहाँ पे। और तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और अभी मैं जाती हूँ एक राउंड लगा कर आती हूँ। और यहाँ पे ना मछलियाँ भी है, देखिए ये देखिए जो पानी हिल रहा है ना यहाँ पे, मछली है यहाँ पे। और एक राउंड लगा लेते हैं पवित्र झील की। मम्मी तो पवित्र झील की एक बार राउंड लगा लेते हैं और बाकी सब तो चले गए, बस मैं अकेली हूँ, अकेली अकेली। तो मिट्टी इतनी सॉफ्ट है ना यहाँ की, पैर अंदर जाके दस रहे हैं, तो मुझे साइड साइड से होके जाना पड़ेगा क्योंकि गर्मियों में इतनी मतलब सॉफ्ट थी मिट्टी यहाँ की, अब बरसात है तो ज़्यादा सॉफ्ट हो गए।
जय हो भगवान जी। देखिए, जय प्राचुर ऋषि। तो जब हम पिछली बार आए थे ना, मतलब गर्मियों में, तो रास्ता यहाँ से होके ऐसे करके था, लेकिन इस बार हम आए हैं बिल्कुल साइड से, क्योंकि यहाँ पूरे में पानी, जो भी आपको ये लाल लाल फूल दिख रहे हैं ना, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसलिए मुझे साइड साइड से होके जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि घास इतने बड़े बड़े हैं, कपड़े की ऐसी की तैसी हुई है, और बहुत ज़्यादा मतलब ओस पड़ी है ना पानी इसमें, घास में, तो पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। और वो लोग सब बैठे हैं, देखिए ऊपर वहाँ पे बैठे हैं वो लोग सब, और यहाँ मैं अकेली। और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 9:15, और हमको टाइम से निकलना होगा, फिर कल की तैयारी भी करनी है, और पूरे कपड़े गीले हो गए। ऐसे करके फोल्ड करते हैं और फिर चलते हैं। और मतलब पान, ये देखिए मछली, मतलब वहाँ तो मछली है ही है, और यहाँ पे मछली है इन पानियों में भी, देखिए यहाँ पे मछली है। कुछ लेके नहीं आई मैं इनके लिए, आना चाहिए था वैसे, देखिए सब जगह पे मछली है। इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं, और कुछ तो नज़र भी आ रही है पानी के अंदर, पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर, देखिए ये यहाँ यहाँ पे ना, ये देखिए मछली। मैं कुछ फेंकने की कोशिश करती हूँ, फिर आएगी। यहाँ पे भी मछलियाँ होंगी आई थिंक, है वहाँ पे पानी में मछलियाँ हैं। चलिए अभी ऊपर चलते हैं। तो आज मौसम ने बहुत साथ दिया है, और टाइम से यहाँ से निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश लग गई ना तो नीचे जो नाला हमने क्रॉस किया था, नाला नहीं कहेंगे उसको, खड्डी कहेंगे, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा जो वहाँ पे जो जगह है जो डैमेज हुई है, तो वहाँ से हमें क्रॉस करने को मुश्किल हो जाएगा अगर पानी ज़्यादा आएगा तो टाइम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ भी हमारी वहीं पर है, तो फिर बारिश लग जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन चलिए जैसे इनकी मर्जी वैसा मंजूर है। तो यहाँ पे अभी इतनी शांति है ना कि लोगों की बातें पूरी पूरी सुनाई दे रही है, जैसे हमारे पीछे जो वो पंडित जी है ना, वो पानी निकाल रहे हैं, और मतलब वो मंत्र बोल रहे हैं कुछ कुछ, और भजन भजन कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ पूरी सुनाई दे रही है, आसपास में जो भी लोग बात कर रहे हैं पूरा सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि मक्खियों की भिन भिनाने की आवाज़ भी इतनी स्पष्ट सुनाई देगी ना, क्योंकि लोग कम है यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग आते हैं, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, और टूरिस्ट क्या मतलब जो आसपास गाँव के हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आपने अब तक से इस जगह को नहीं देखा ना तो प्लीज़ विज़िट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत जगह और कोई हो सकती है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन मतलब इसका इसकी जो बात है ना वो कुछ अलग है, यहाँ का जो नेचर है वो अलग है, खूबसूरती है वो अलग है, तो बहुत सुंदर जगह है। तो अगर आप कभी घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो या किसी मंदिर में जाने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ पे आ गए ना तो मुश्किल हो सकता है आपको यहाँ से जाना, और आप बार बार यहाँ पर आओगे। और यहाँ देखिए कितने फूल, सुंदर सुंदर से फूल हैं, पिंक, पर्पल, येलो,
और मैजेंटा, मतलब हर कलर के फूल आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत सुंदर है। तो वाइट देखिए, ऊपर वाइट है, तो बड़ा सुंदर है। और जो इसमें झंडे लगे हैं ना इस पूरे झील के आसपास में, तो इसकी शोभा को ये और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, नीचे मेरा पूरा प्लाजो गीला हो चुका है। तभी चलते हैं, और भूख बहुत ज़ोरों की लगी है सच बताऊँ तो। फिसलन, कितनी खूबसूरत जगह है। तो अभी ना चीकू उस वाली पहाड़ी में कहीं पे है वो, और मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे है वो। शायद उसको मैं नज़र आ रही होंगी, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा है। अरे देखिए कीचड़ वाले रास्ते से। अच्छा वो है वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है वो। जय हो भगवान जी। तो बस अभी चलते हैं, और अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ पे। बहुत जल्दी मिलेंगे भगवान जी। तो चलिए इस खूबसूरत सी जगह को हम भगवान जी को जय करते हुए निकलते हैं घर की तरफ। पिछली बार जब हम आए थे ना घूमने, तो हमने यहाँ बैठ के खाना खाया था, यहाँ बैठे थे हम सब, और यहाँ पे हमने डांस किया था। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ घूमने आए थे लेडीज़, तो आप सबको याद होगा कि हमने यहाँ पे डांस किया था, आप बहुत मज़े किए थे, यहाँ पे खाना खाया था, वहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट हुआ था। और उसके दूसरे दिन जो है हमारे, मेरा और एक और जो हीना है देवरानी, हम दोनों का चेहरा जो है ख़राब हो गया था। और आजकल का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, लेकिन उस समय बहुत गर्मी थी यहाँ पे, हवा चली थी लेकिन धूप बहुत तेज़ था। और भी चलते तो अभी मैं जा रही हूँ नेटवर्क की तलाश में, क्योंकि नीचे मंदिर के आसपास ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क ही नहीं आता है। तो मैंने कहा थोड़ा इस साइड जाते हैं, क्या पता नेटवर्क आ जाए, और आ गया। अब मैं रील्स वगैरह बना सकती हूँ, नहीं तो ना नेटवर्क ही नहीं था यहाँ पे। और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, अच्छा रोड भी यहाँ तक है ना, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से रोड है बोलकर, क्योंकि मैं हम हमेशा वहाँ से आते थे या फिर यहाँ से, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा यहाँ से रोड है फिर यहाँ के लिए, चलिए पता लग गया। अब कुछ रील्स बनाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़े से रील्स बनाऊंगी, लेकिन नेटवर्क ढंग से नहीं चल रहा है, और धूप की वजह से ना आंखें बंद हो रही है, और मैं अपना दोनों चश्मे लाने भूल गई हूँ, धूप वाली भी और नज़र की भी। और ये देखिए पीछे गांव, और मेरे पीछे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब भूख लगी बहुत ज़ोरों की, मन कर रहा है कि घास ही खा लूँ फिलहाल तो, लेकिन नहीं खा सकते घास। हम सब आए थे इस गाड़ी में, और कुणाल बैठा था ऊपर, और बाकी कुछ लोग पीछे। देखो इसने फुल मज़े लिए कुणाल ने, मज़ा आया चीकू, मज़ा आया। अब फिर से क्रॉस करना पड़ेगा ये खड, फिर पहुंच जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। उतनी पानी जितना सुबह था, ना ज़्यादा ना कम है, ठीक है। तो अभी हम आए हैं मोमो खाने, थैंक यू। हाँ तभी बोली फेस मत दिखाओ। अभी मैं पहुंच गई हूं घर, और हम पहुंच गए थे 2 बजे के आसपास, नहीं अभी 2 बज रहे हैं, 2 बज के 10 मिनट हुए अभी। हम पहुंच गए थे 1:30 बजे के आसपास, और
सुबह हम जल्दबाजी में गए थे ना, तो सारे कपड़े ओरे पड़े गिरे पड़े हैं, और जो सामान लेकर आए थे वो भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, और किचन में कुछ काम हुआ था। हाँ जी, नीचे जाचू। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने को, साफ़ सफाई करने को, और इतने दिनों से जो मैं सफाई करी थी ना वो जीरो हो चुकी है। फिर से जो है गंदगी पड़ चुकी है, वो देखिए बुरी हालत है। और अभी मैं पोछा दे रही थी, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।